Dear students, good morning to all of you. I hope that you will be safe and sound during COVID-19 crisis. Today I am talking about integration and merger of Indian states. देशी राज्यों का एकीकरण और विलयन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों का उदय हुआ। इस समय देशी रियासतों की संख्या 562 थी। इस अधिनियम में देशी रियासतों के संबंध में यह प्रावधान था कि या तो वे भारत में मिल जाएं, या पाकिस्तान में मिल जाएं, या वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखें। यह एक ऐसी विकट स्थिति थी जिससे देश में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका थी। इधर जिन्ना देशी रियासतों को पाकिस्तान में मिलने के लिए उकसा रहे थे। एक तरफ देशी रियासतों की जनता राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं कुछ जनता संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी, तो दूसरी तरफ देशी रियासतों के शासक और दीवान स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देख रहे थे। ऐसी विकट स्थिति में देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अत्यंत धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने देशी रियासतों को यह संदेश दिया कि वे अपने भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर विलय के संबंध में निर्णय लें। उन्होंने देशी रियासतों को यह आश्वासन भी दिया कि कांग्रेस उनकी शत्रु नहीं, बल्कि उनकी और उनकी प्रजा के हितों और समृद्धि का रक्षक है। पटेल के इस अपील का देशी रियासतों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उनमें से अनेक देशी रियासतों ने 15 अगस्त 1947 के पूर्व इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर अपने आप को भारत में विलय करा लिया। सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीन ऐसे देशी रियासत थे जिन्होंने भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया। अब हम बारी से इन तीनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जूनागढ़ की। जूनागढ़ रियासत गुजरात राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। इसकी भौगोलिक सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती थी, लेकिन इसकी समुद्री सीमा पाकिस्तान से संपर्क करती थी। जूनागढ़ का नवाब महावत खां मुस्लिम था और इसकी 80% आबादी हिंदू थी। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में जूनागढ़ को मिलाना चाहता था, लेकिन यहाँ की हिंदू जनता नवाब के निर्णय का विरोध कर रही थी। जूनागढ़ में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका थी। जूनागढ़ की 80% हिंदू आबादी पटेल की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ नजर लगाए हुए थी। इधर पटेल ने भी जूनागढ़ को भारत में मिलाने का प्रयत्न प्रारंभ किया। उन्होंने रसद और अन्य खाद्य सामग्रियों को जूनागढ़ भेजने पर प्रतिबंधित कर दिया। इधर नवाब पर जनता का दबाव बढ़ रहा था। पटेल की कूटनीति काम कर रही थी। जूनागढ़ का नवाब घबराकर पाकिस्तान भाग गया। ऐसी स्थिति में पटेल ने जूनागढ़ को भारत में विलय कराना चाहा, परंतु माउंटबेटन के निर्देश पर जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और इस जनमत संग्रह का परिणाम यह हुआ कि 90% से अधिक आबादी ने
भारत के विलय के पक्ष में मत दिया। इस प्रकार मतदान के आधार पर जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। अब हम चर्चा करेंगे हैदराबाद राज की। हैदराबाद एक लैंड लॉक्ड स्टेट था, यह चारों तरफ से भारत की भूमि से घिरा हुआ था। इसका नवाब निजाम उस्मान अली खां मुसलमान था। वह हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था, परंतु हैदराबाद की 87% आबादी हिंदू थी और यह एक बहुत बड़ा स्टेट था। इसका क्षेत्रफल 82,000 वर्ग मील था। हैदराबाद के नवाब के समर्थन में इत्तेहाद मुस्लिमीन एक राजनीतिक पार्टी थी जो भारत के विलय के पक्ष में विरोध कर रही थी। नवाब के निर्देश पर इस पार्टी के नेता कासिम रिजवी ने रजाकार मिलिशिया का गठन किया जो नवाब का समर्थक थी और भारत में हैदराबाद के विलय का विरोधी थी। रजाकारों ने गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। उसके 2 दिन के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद रियासत में भेज दिया। यह कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंततः रजाकारों की मिलिशिया परास्त हुई और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। अब हम कश्मीर की तरफ आते हैं। कश्मीर भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित एक विशाल राज्य था जिसकी बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी और कश्मीर का राजा हरि सिंह हिंदू थे। प्रारंभ में वे भी कश्मीर को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे, किंतु पाकिस्तान की चालें कश्मीर को मुस्लिम बहुल प्रांत होने के कारण पाकिस्तान में विलय के पक्षधर थी। पाकिस्तान ने हरि सिंह के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, किंतु वह युद्ध द्वारा कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास करने लगा। उसने कश्मीर के उत्तर पश्चिमी भागों में रहने वाले कबालियों के वेश में अपनी सेना को कश्मीर फतह के लिए भेज दिया। कबालियों की सेना श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी और जब श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर थी कि महाराजा हरि सिंह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि कश्मीर का भारत में विलय होगा तो भारत सरकार कश्मीर रियासत को बचाएगी। अंततः हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया और कश्मीर का भारत में विलय हो गया। तत्पश्चात भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और पाकिस्तानी सेना जो कबालियों के वेश में थी उनको पीछे हटाना शुरू किया।
भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज को पीछे की तरफ धकेल ही रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दा को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए और इस मुद्दा का उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह की भी बात कही, लेकिन जनमत संग्रह में यह शर्त रखा गया था कि जब तक पाकिस्तानी सेना पाक अधिकृत कश्मीर के संपूर्ण क्षेत्र को भारत को न सौंपेगी तब तक जनमत संग्रह कराना संभव नहीं है। तब से कश्मीर समस्या एक गंभीर विवाद के रूप में बनी रही और इस कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हो भी चुके हैं। कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वह पीओके या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है और जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, शेष कश्मीर का हिस्सा भारतीय भूभाग में है। तो हम कह सकते हैं कि पटेल ने अपनी साहस बुद्धिमत्ता कूटनीतिज्ञता से भारत के 562 देशी रियासतों का भारत में विलय करा दिया। आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं वह पटेल के प्रयासों से ही संभव है। अगर पटेल ना होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। भारत के एकीकरण में पटेल के महान योगदान को देखते हुए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। धन्यवाद।